डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो ये चैनल जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस रीज़न के साथ मैंने स्टार्ट किया था, मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई, उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल रहा। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेल आए अब तक कि सर हमें जो है इम्प्रूवमेंट दिखा अपनी मैथ्स में। पहले हमें एक्स अच्छा नहीं लगता था, अब एक्स से सवाल को कर पाते, कंसेप्ट इंप्रूव हुए। तो रिसेंटली अगर मैं बताऊँ तो रवि कुमार का जो है मेरे पास मेल आया रिसेंटली, जिनने की सीजल 2018 मेंस दिया, जिसमें कि उनके मार्क्स जो है 197.45 ऐसे कुछ आए। आपको स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर दिख रहा होगा और व्हाट्सएप पर भी कुछ बातचीत हुई थी, वो भी आपको यहाँ पर अब दिख रही होगी। तो आप इनसे पर्सनली बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भाई इनने क्या क्या स्ट्रेटजी रखी, क्या क्या, क्योंकि आपको ज़रूरी क्या है, क्योंकि आपको लोग बोल देते हैं कि सर पहले बात, मतलब कई एजुकेटर बता देते हैं ना, पहले बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। तो आप जाके इनसे बात करके पता कर सकते हैं, इनका जो है टेम्परेरी नंबर है ये, अब बात कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। तो मैंने इनसे बात करी, एक्चुअली ये मेरे स्टूडेंट नहीं है, पहले मैं ये बात बता दूं। इनने कोई वीडियो देखी थी सीजीएल 2018 प्री के बाद, कोई जो हमने बनाई होगी एनालिसिस का, एनालिसिस करके कोई वीडियो, ऐसा इन्हीं ने मुझे याद दिलाया। तो उस तक के बाद जो है इनने अपनी तैयारी को सही दिशा दी है। पहले थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन के बारे में सोच रहे थे, यार ऐसा होता है हर स्टूडेंट के साथ, जब हम भी एस्पिरेंट थे, जब हम भी तैयारी कर रहे थे। तो ये बात 2013 की थी। तो जब 2014 का जब मैंने प्री दिया, उसके बाद मैंने बताया कि मेंस में मैं भी जो है टफ क्वेश्चंस के चक्कर में फंस गया। भाई होता है, जो भी एक स्टूडेंट सक्सेसफुली एकदम पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा है कि भाई सक्सेस लेनी ही लेनी है और अपना सिलेक्शन लेना ही लेना है, वो कोई भी सवाल छोड़ता नहीं है। जब एक सवाल ऐसा दिखता है ना, कोई दिखाता है कि यार ये सवाल देखो इस चैप्टर का है और उसमें हमने ढंग से तैयारी की, वो नहीं होता है तो दिमाग खराब हो जाता है। यही चीज़ काफ़ी सारे एजुकेटर्स आज की डेट में कर भी रहे हैं, कई सही दिशा भी दिखा रहे हैं, टफ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि ये देखो भाई। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि उनको वो दिखाओ कि भाई ये सवाल इस बार आए, इसका कंसेप्ट वही है, इसके चक्कर में मत भागो, इस टफ क्वेश्चन के चक्कर में कंसेप्ट के पीछे भागो। तो आप उनसे बात करो यार, रवि कुमार से, वो 2-3 दिन जो है इस फोन नंबर पर अवेलेबल होंगे, ठीक है, ये उनका टेम्परेरी नंबर है, ठीक है। तो मेरा बस जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये चैनल स्टार्ट करने का, वो ये था कि जिस तरीके से मैं मिसगाइड हुआ सीजल 2014 में, मैं टफ क्वेश्चंस के चक्कर में फंसा और रैंक इतनी बेकार आई, वो तो भला हो कि उस वक्त पोस्ट काफ़ी ज़्यादा थी एक्साइज इंस्पेक्टर की और बाकी, तो मेरे को वहाँ पर उस टाइम पर इतनी बेकार रैंक पर भी एक पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर की मिल गई। क्यों? क्योंकि अगर वो ना होता, अगर पोस्ट कम होती, तो मैं कभी भी सीजल 15 में टॉप 100 में ना आ पाता। क्योंकि जब आप एक बार ही फेल हो जाते तो कहीं ना कहीं जो है मोटिवेशन और डेडिकेशन में कमी आ जाती है अगली बार के लिए, कि यार इस बार नहीं हुआ अब कैसे। तो यही रीज़न था, ये ऑब्जेक्टिव था इसको स्टार्ट करने का। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सही, पेड कोर्स भी लाना था ये, यार ये कभी सोचा नहीं था पेड कोर्स। हाँ ये सोचा था कि मैं बैंगलोर से आगरा आऊँगा ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाने, भाई ऑनलाइन मैंने कभी आगे सोचा नहीं था, वो आपका प्यार इतना ज़्यादा मिला, कभी नहीं सोचा कि भाई इतने आगे जाएंगे। तो ऑफलाइन आएंगे 5-10 हज़ार अपने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो उनको भी थोड़ा यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो स्टार्टिंग में उतना फिर से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा पढ़ाने में। तो बस ये मेन ऑब्जेक्टिव था। तो आप अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए, फालतू की चीज़ों में मत फंसिए, जो भी कह रहे हैं कि टफ और ये, और आप जो है रवि कुमार से आप बात भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।